हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए रसायन विज्ञान में जो चैप्टर है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट वो चल रहा है अपना, तो उसमें पार्ट वन और पार्ट टू करा दिया गया है। अब ये पार्ट थ्री है, इसमें क्वेश्चन है कि जब किसी घनीय जाला के केंद्र पर स्थित परमाणु विकिरण पर उपस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनीय संरचना की संकलन क्षमता की गणना कीजिए। और ये दूसरे तरीका से भी आ सकता है, ये सन 2019 में 2019 में आया भी है यूपी बोर्ड परीक्षा में। दूसरे तरीका से भी ये इस तरह आ सकता है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका, तो ये इसमें कह रहा है कि केंद्र पर उपस्थित होता है तो वो अंतः केंद्रित ही होता है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका। और जैसे इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या ऐसे बीसीसी भी कहते हैं शॉर्ट में, बीसीसी बीसीसी के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने तुम्हें इसलिए तीन प्रकार का नाम बताए, तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका, बॉडी सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल, या बीसीसी भी कहते हैं की संकलन क्षमता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से भी सेंटेंस ये आ सकता है क्वेश्चन कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी की संकलन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे। और ये बताएं तुम्हें संकलन क्षमता किसे कहते हैं, तो इसके लिए संकलन क्षमता होता है क्रिस्टल जालक में अवयवीकरण, क्रिस्टल जालक के आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे संकलन क्षमता कहते हैं। मैं उसे यह करा देता हूं, इस क्वेश्चन को साइड में हटा करके इसे उसके बाद कराता हूं। जैसे संकलन क्षमता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संकलन क्षमता ज्ञात कीजिए, वो कर रहे हो तो ये भी पता होना चाहिए संकलन क्षमता किसे कहते हैं। संकलन क्षमता इसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण या अवयवीकरण, क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण या अवयवीकरण, अवयवीकरण लिख दें, एक ही बात है। क्रिस्टल जालक में अवयवीकरण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं
उसे उसे क्रिस्टल जाला की संकुलन क्षमता कहते हैं। तो तुमने समझा क्रिस्टल जालक में जैसा कोई क्रिस्टल जालक है और उसमें अवयवी कण या उपस्थित कण इस जालक का जितना भाग घेरेंगे तो जो घेरा हुआ भाग होगा उसे उसकी संकुलन क्षमता कहती है। तो वो पूछता है उसमें कि इसमें जो है कितना भाग घिरते हैं या संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाता है। जो इसमें कण जो है अवयवी कण परमाणु इसमें जितना भाग घिरते हैं वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाते हैं। यही तो डेफिनेशन में लिखा है, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण, क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण, क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का, ये टोटल आयतन है इसका, तो इसका जो जितना भाग घिरते हैं कुल आयतन का जितना भाग घिरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। और इसका फार्मूला ऐसे होता है कि संकुलन क्षमता जो फार्मूला से ज्ञात होती है, फार्मूला बताएं, संकुलन क्षमता इज इक्वल टू क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की संख्या, इस जालक में कितने कण हैं, तो अवयवी कणों की संख्या इंटू एक कण का आयतन, एक कोष्ठका का आयतन, इंटू 100। तो इसके लिए इस फार्मूला का प्रयोग तुमने इससे जो पहला जो पार्ट था पार्ट टू उसमें भी जो हमने एससी में सरल घनीय एकक कोष्ठका या शॉर्ट में एससी बोला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें भी जब परमाणु संकुलन क्षमता ज्ञात की थी कि कितने परमाणु उसमें जो है जगह के लिए घिर रहा है, तो उसमें भी इस फार्मूला का प्रयोग किया गया था, वहां भी बताया था। तो अवयवी कणों की संख्या के लिए जैसे इसमें कितने कण है उसके लिए जैन का प्रयोग करते हैं, और एक कण का आयतन जो होता है वो गोले का आयतन, हमने हाई स्कूल में वो पढ़ा होगा कि गोले का आयतन कितना होता है, तो उसका गोले का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr³। तो ये गोले का आयतन का फार्मूला है 1/3 πr³ y, और एक कोष्ठका का आयतन जब किसी घन का आयतन होता है तो एक क्यूब होता है उसका, 4/3 πr³ / a³ × 100। ये जैसे ये फार्मूला है उसके लिए यहाँ लिख दिया जेड इंटू 4/3 πr³ / a³ × 100। तो ये रहा संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, तो भाई समझ में आया होगा क्रिस्टल जालक में अवयवी कण, क्रिस्टल जालक के क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण, क्रिस्टल जालक के उनके आयतन का जितना भाग घिरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं, और संकुलन क्षमता का फार्मूला ये होता है, और ये दोनों तरह से लिख दिया है मैंने। तो ये अच्छा, अब ये मैंने बता दिया है इसमें आ रहा था संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए, तो ये समझ गए तुम संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। अब ये अपने पहले ही क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, पहला क्वेश्चन करेंगे ये जो लिखा हुआ है ऊपर, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
यूपी बोर्ड में 2019 में परीक्षा में आया भी है। अब इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, मैंने बता दिया दो प्रकार से कैसे भी आ सकता है, या तो इस तरह से आ सकता है या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसके लिए सॉल्व करना है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका। तो सबसे पहले इसकी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे समझेंगे, और इसके लिए हमने एक बार पार्ट वन में ये बताया है इसका स्ट्रक्चर, और उसमें ये भी बताया है कि इसमें बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है और वो कैसे होती है, वो तुम्हें मालूम है। अब इसमें आठ कण तो कोणों पर होते हैं, प्रत्येक कोने पर एक कण, तो आठ कोणों पर ये आठ कण हो गए। और उसमें हमने बताया है कि एक कण का 1/8 भाग इसमें योगदान देता है, और ये कह रहा है केंद्र पर स्थित परमाणु, तो एक केंद्र पर स्थित होता है, सेंटर में होता है। तो इसमें अब इसमें निकालेंगे संकलन क्षमता ज्ञात करनी है, तो इस कण के लिए इस प्रकार इसमें त्रिभुज बनाएंगे, वो त्रिभुज ही बन जाएगा हमारा, इस प्रकार इसमें क्रॉस करेंगे कि ये कण जो है इसका पूरा कंप्लीट बोर आ जाए, बोर या त्रिज्या बीच में होके गुजरे, पूरा बोर आ जाए व्यास। तो इसके लिए हम यहां से इस तरह से ले लेंगे, इस तरह से ले लिया मैंने, थोड़ा सा इधर को हटा कर कराया कि इस लाइन के ऊपर लाइन आ जाती, तो समझ में नहीं आता कि कहां से ये लाइन जो ली गई। तो ऐसे नाम दे देंगे ए बी और ये सी डी, और ये फिर इसके लिए इस प्रकार इसमें ये त्रिभुज भी इसमें बन गया, ये कौन बन गया ये इस तरह से। तो फिर हमें ये एकक कोष्ठका की जो कोर होती है, कोर तो वो उसे तो ए से प्रदर्शित करते हैं ए, तो ये तो हमें मालूम है ए है, और ए भी हमें ज्ञात करना है और बी सी ज्ञात करना है, ए बी और बी सी की आवश्यकता है इसमें, और इसमें कणों की संख्या कितनी होती है वो तुम्हें मालूम नहीं है, क्योंकि आठ कण कोणों पर उपस्थित होते हैं, एक कण का 1/8 भाग इसमें जो है योगदान देता है, सहभाजित होता है, और तो इस प्रकार एक मैं बता दूं किस तरह होता है, और इससे पहले भी मैंने बता दिया है, यदि तुमने अगर वो वाला पाठ नहीं देखा है तो भी तुम्हारी ये समझ में आ जाएगा। आठ कण होते हैं, आठ कोणों पर आठ कण, और एक कण में जो है 1/8 भाग सहभाजित होता है, और प्लस इसमें एक जो सेंटर में होता है इसके, तो इस प्रकार इसकी दो होती है प्रभावी कणों की संख्या, 8 बन जाए 8 और 1 बन जाए 1, 1+1=2। तो ये जेड बराबर आ गया हमारा 2, जेड बराबर इस प्रकार इसमें 2 है। तो हमें इसमें निकालना है बी और सी, जैसे ये नीचे है बी सी, तो सबसे पहले ऐसे निकाल देते हैं बी सी को, बी और सी। तो इसके लिए ये जो नीचे हमें दिख रहा है इसके लिए मैं अलग बना लेता हूं, और ज्यादा समझ में आए इसमें।
सी और बी तो ये इस तरह से है, ये हमारा बी हो गया और ये सी और ये है डी, इस तरह से बना दिया। तो बी से निकालना है तो ये तो ए है भैया, तो पाइथागोरस प्रमेय से बहुत सरल तरीके से निकालेंगे, जैसे बीसी का वर्ग ये बीसी का वर्ग इज इक्वल टू बीडी का वर्ग प्लस सीडी का वर्ग। इस प्रकार हमने लिया बीसी का वर्ग इज इक्वल टू बीडी का वर्ग प्लस सीडी का वर्ग, तो बीडी कितना है हमारा ए है, तो ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग ए प्लस ए, तो ये 2a² हो गया। ठीक है, तो BD हमारा कितना है a और CD भी a है, तो ये a² प्लस a² 2a², तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ये तो तुमने हाई स्कूल में पढ़ लिया होगा पाइथागोरस प्रमेय, जब इस वजह से वर्ग के लिए हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा रूट टू ए, ये हो जाएगा बीसी कर दो, तो ये हमारा बीसी का मान आ गया, बीसी का मान आ गया रूट टू ए। अब इसके बाद करते हैं, मैं यहां से कर रहा हूं इसे, अब इसे निकालना है ए बी को, तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज एबीसी, एबीसी में दिखेंगे, एबीसी में त्रिभुज एबीसी में इसे भी इसी तरीके से निकालेंगे, ए बी का वर्ग इज इक्वल टू बी सी का वर्ग और प्लस ए सी का वर्ग, तो बी सी हमारा कितना आया, बीसी इज इक्वल टू आया है रूट टू ए, तो रूट टू ए ये वर्ग हो जाएगा प्लस ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए सी का मान ये ए सी ए है, तो रूट टू ए का वर्ग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये इसके लिए प्लस करेंगे तो 3a² हो जाएगा, और ए भी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू रूट थ्री ए हो जाएगा, तो ये ए बी का मान आ गया रूट थ्री ए बी इज इक्वल टू, और हाँ इसमें देखेंगे ए बी बराबर, जैसे यहाँ कणों की संख्या जो होती है तो वो इस प्रकार व्यवस्थित होती है, ये इस प्रकार एक कण तो इस प्रकार है ये व्यवस्थित, और एक कण ये इस प्रकार व्यवस्थित है, और ये कण आपस में टच है, वही वो क्वेश्चन में भी कह रहा है दो परमाणुओं के संपर्क में हो, विकर्ण पर उपस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनीय संरचना की सघन छुंदाई गणना कीजिए, तो ये दो परमाणुओं विकर्ण पर उपस्थित दो परमाणुओं के बीच में ये टच है, दो परमाणुओं से कि संपर्क में है टच है, तो ये हमारा रेडियस आर, रेडियस त्रिज्या, त्रिज्या को तो एक आर और दूसरा तीसरा आर और ये एक आर, ये तो इस प्रकार ये 4r हो गया, इसका बोर जो है बोर बोर का हाफ त्रिज्या होता है, तो रेडियस कहते हैं इसे, तो इसके लिए आर फॉर रेडियस, तो ये एक आर और दो आर, दो त्रिज्या हुई यहाँ तक, ये तीन त्रिज्या और ये चार त्रिज्या, तो एंड ए बी इज इक्वल टू 4r भी होता है 4r, तो यहां से हम एक अंबाल निकाल लेंगे, देखें ध्यान से, तो रूट थ्री ए इज इक्वल टू 4r हो जाएगा, रूट थ्री ए इज इक्वल टू 4r, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 4 बाई रूट थ्री और ये आर आ जाए, तो ये हमें ए का मान प्राप्त हो गया। अब हमें निकालेंगे इसकी संकलन क्षमता, तो संकलन क्षमता का फॉर्मूला
बताइए, अभी पढ़ा था कि संकलन क्षमता किसे कहते हैं? तो संकलन क्षमता इजिकल टू होता है प्रभावी कणों की संख्या। केस में प्रभावी कणों की संख्या कितनी है? तो मालूम है दो है, और एक कण का आयतन तो 4/3 πr³ बाय एक का कोष्ठका का आयतन a³ × 100। ये संकलन क्षमता का फार्मूला लग गया। अब जेड का मान रख देंगे, जेड का मान क्यों हुए यहाँ, तो जेड का मान रख दिया जाएगा, और ये 4/3 πr³ a का मान हमें प्राप्त हो गया है। ये a का मान रख देंगे यहाँ, इसी की आवश्यकता थी, ये प्राप्त हो गया, और r है ये, तो इसका ये q कर देंगे, और q इनटू 100 है। तो इसके लिए हल करेंगे 4 × 2 = 8, ये ले लिया 4 × 2 = 8 बाय 3 πr³ बाय, अब ये 4 के लिए 3 बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 4 = 16 और 16 × 4 = 64, तो ये 64 हो गया, और √3 की करेंगे 3 बार, तो ये हो जाएगा 3√3 और r³ × 100, ये इस प्रकार होगा, और ये r³ से r³ ये कैंसिल हो जाएगा, और ये अब इधर क्या हो जाएगा, हमें इधर कर रहा हूँ 8/3 πr³ 64 3√3 × 100। तो ये तो ऊपर बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा यहाँ 8 × 3√3, और पाई का मान होता है 22/7, तो याद है पाई का मान हाई स्कूल में पढ़ा है, और क्या रह गया 3 × 64 × 7, ये है 100। ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सा लॉन्ग तो है, ये बहुत सरल सरल तरीके से किया है हमने, अब इसके लिए हल कर लेंगे। 8 × 8 = 8 और 8×8 = 64, और इसके लिए कर लेंगे 2×2 = 2 और 2×4 = 8 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ये, और 4 से 4 × 2 = 8 और इसमें 2×20 हो जाएगा, 4×5 = 20, ये 4 × 4। अब इसमें क्या बचा ऊपर, √3 है, तो √3 का मान होता है, वो मैं लिख देता हूँ √3 = 1.73, इसके लिए याद कर लीजिएगा, √3 का मान होता है, तो ये √3 का मान आ जाएगा 1.73 और × 11 × 24 × 25 × 7। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 67.96%, ये इसका आंसर आ जाएगा था। तो 1.73 × 11 × 25 इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई के बाद 7 से डिवाइड इसलिए कर देंगे 7 से, तो इतना करने के बाद ये इसका आंसर आ जाएगा 67.96%,
हाँ तो मैंने बताया तुम्हें सबसे पहले इसमें कि अंतः केंद्रित ध्वनि एक कोष्ठका है, इसके लिए इंग्लिश में अंतः बॉडी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स है, और ऐसे शॉर्ट में बीसीसी भी देते हैं कि संकलन क्षमता, और इससे पहले संकलन क्षमता बताया कि संकलन क्षमता किसे कहते हैं। तो इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया, और स्ट्रक्चर बना करके इसमें हमने बताया कि कणों की संख्या, प्रभावी कणों की संख्या कैसे होती है, तो ये दो होती है इसमें, और जो कण जो है किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, और ये बी सी जो दिया इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमारा इसका मान बी सी का मान √2a आ गया। फिर हमने ए बी सी को देखा त्रिभुज ए बी सी में, फिर इसके लिए भी पाइथागोरस प्रमेय से निकाला, फिर इसके लिए ये हमें ए का मान प्राप्त हो गया, फिर उसके बाद में संकलन क्षमता का सूत्र लगाया फॉर्मूला, और फिर ये हमारा आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी समझ में ये आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो कमेंट करके हमें बताइए, लाइक कीजिए, और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल के लिए पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।